हेलो दोस्तों, मैं राहुल का स्वागत करता हूँ। जैसे ही आप लोग जानते हो कि दिवाली फेस्टिवल आ गया है, और दिवाली फेस्टिवल के साथ लोग करते ही क्या हैं, लोग करते हैं नई चीज़ों को खरीदते हैं और पुरानी चीज़ों को निकाल देते हैं। तो उस पुरानी चीज़ों के लिए आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी चीज़ें मिल सकती है अगर आप ढूंढने निकले। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कार्स की, तो कार्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको काफ़ी वैल्यूएबल कार्स मिल सकती हैं इन इंडियन मार्केट में। बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, क्योंकि लोग काफ़ी नई कारों की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग सीएनजी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जा रहे हैं। तो आपको उसी जगह पर आपको पेट्रोल व्हीकल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा एवरेज दे देती है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप सोचें कि आप एक कार ले, लेकिन आप नई कार नहीं लेना चाहते हैं, आप सेकेंड हैंड कार देख रहे हैं, तो ये इस टाइम आपका सही मौका है कि आप जाके मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च करिए और काफ़ी सारी चीज़ों को टटोलिए, उससे आपको कार मिल ही जाएगी, शायद आपके जान पहचान में ही देखने को मिल जाए। अगर आपके जान पहचान में कोई भी कार आपको नहीं मिल रही है, तो आप ऐसे कोई ट्रस्टेड सोर्स के पास जाइए, जैसे कि कोई सेकेंड हैंड कार का डीलर हो, उसके पास जाइए। अगर आप सोचें कि भैया हमको वो चूना लगा देगा, तो ऐसा नहीं होगा, चूना नहीं लगाएगा वो आपको। आप जाइए उसका सर्विस रिकॉर्ड, जाके आप सीधे सर्विस सेंटर में जाइए, उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक करिए, आपको सर्विस की जानकारी सारी मिल जाएगी, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, कहीं कुछ हुआ तो नहीं था। अगर उसने टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाई है, तो आपको वहाँ से उसका सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि उसका मीटर पीछे हुआ है, तो वो भी पता चल जाएगा कि इसकी जो लास्ट सर्विस है वो कब हुई थी, और उसके बाद उसने कहाँ सर्विस करवाई है, वो सब पता चल जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा अच्छे से गाड़ी को देखिएगा, अगर कहीं भी अगर कंपनी के बाहर निकलने के बाद कहीं भी उसका मेजर एक्सीडेंट होता है या कहीं भी एक्सीडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ऐसे निशान देखने को मिल जाएंगे जो रिपेयर नहीं होते हैं। अगर रिपेयर करवाए भी जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेंट रह ही जाता है, तो आपको उसके पैसे और कम हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है और आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है कि आप इंडियन मार्केट में जाएं और अपनी मन पसंदीदा कार के लिए आप चुन सकते हैं। तो आपके लिए एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि ये फेस्टिवल सीज़न काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, कि कोरोना का बाद का फेस्टिवल सीज़न है ये। तो आप जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी रिसर्च करिए, क्योंकि जल्द ही दिवाली आने वाली है, और दिवाली के एक महीने या दो महीने बाद तक आपको ये कई सारे ऑफर्स मिल सकते हैं, क्योंकि कार उठेंगी अभी तो उठना चालू हुई हैं, तो और उठेंगी कारें। और आपको कौन सी कार के ऊपर जाना है, वो भी खुद आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि पेट्रोल कार लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप उसमें फ्यूचर वाइज सीएनजी का यूज़ करवा सकते हैं। बाकी तो मैं कुछ और नहीं बोलना चाहूँगा, फेस्टिवल सीज़न आ गया है, जाइए मार्केट में घूमिए, सेकेंड हैंड मार्केट कार्स में जाइए, वहाँ पे जाके रिसर्च करिए, और सस्ते में एक अच्छी कार का लुफ्त उठाइए परिवार के साथ। मैं बस इतना ही कहूँगा, अभी के लिए इतना ही, बाय, सी यू।